आपसे कह रहा है सम डबल्स इटसेल्फ इन 16 इयर्स देन इन हाउ मेनी इयर्स विल इट ट्रिपल इटसेल्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग सिंपल. तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके पास क्या है डबल हो रहा है 16 इयर्स में, तो कितने इयर्स में ट्रिपल हो जाएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन. 24 इयर्स. गुड जी. ठीक है सर, देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन. हमारे पास क्या है, हमारे पास है सम ऑफ, पहले ऐसे ही देख लेते हैं जिससे से क्वेश्चन कह रहा है. भाई हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल पी है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, पता नहीं, डबल इटसेल्फ, तो हमारा जो अमाउंट हो गया डबल हो गया. तो अगर हमारा प्रिंसिपल पी था तो अमाउंट उसका 2p हो गया. जो 2p हुआ है उसका मतलब उसमें p एक्स्ट्रा आ गया, तो जो एक्स्ट्रा है वो मेरा इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट p आ गया, ठीक है. टाइम दिया हुआ है 16 इयर्स में, 16 साल में ये काम हुआ है. जो इंफॉर्मेशन है इज सम डबल्स इटसेल्फ इन 16 इयर्स, ये वाली बात समझ में आ गई. डबल का मतलब है अगर मैंने 10 रुपए लगाए थे तो अब 20 रुपए हो गए. अगर मेरा प्रिंसिपल 10 था तो नाउ इट बिकम्स 20. अगर ये 20 हुआ है तो इसमें जो इंटरेस्ट है वो 10 रुपीज का है. तो जो मेरा प्रिंसिपल था, ध्यान से देख लीजिए, उतना ही मेरा इंटरेस्ट है. ये वाली बात समझ में आ गई सबको, डबल का मतलब जी. ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे बेटे, हम कह रहे थे कि अगर हमारा प्रिंसिपल पी है तो हमारा इंटरेस्ट भी पी है, तभी हमारा अमाउंट 2p हुआ है. अब इस केस में हमें आर नहीं पता, बस इतना पता है टाइम 16 इयर्स है. तो यहाँ से देखो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं वो देख लेते हैं. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू आर इनटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला है. तो पी से पी बेटे कैंसिल हो जाता है तो हम आर निकाल सकते हैं. तो आर हमारा हो गया सीधा सीधा 100/60. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर कितने साल में ये ट्रिपल हो जाएगा. तो अगर हमारा प्रिंसिपल अभी भी पी है, अब वो 3p हो जा रहा है, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 2p. अब क्योंकि हम रेट निकाल चुके हैं तो रेट यही वाला रहना है 100/16, तो आर हमारा यही रहेगा. अब सिर्फ हमसे पूछ रहा है टाइम बताओ, तो हमें टाइम निकालना है. तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा इस तरह से कि भाई इंटरेस्ट हो गया 2p, प्रिंसिपल हो गया p, रेट हमारा पता नहीं है, नहीं रेट हम फाइंड कर चुके हैं 100/16, टाइम हमारा मालूम नहीं है, अपॉन 100. तो अब फिर क्या करेंगे आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास, ठीक है जी. कितना आया हमारे पास, 32 क्यू आ रहा है, 32 क्यू आ रहा है, कहीं कुछ कर रहे हैं हम गलत. प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100 जी बेटे. सर वो दूसरे में 3p होगा ना. नहीं बेटे 3p तो होगा, इंटरेस्ट तो 2p आना है, अमाउंट 3p होगा तो इंटरेस्ट तो 2p आना है. 32 कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, अरे मेरा अल्लाह.
बंद करो इसे, जाओ। यस जी, वो ही करेंगे अपने हाथ से, अपने हाथ से करिए। नहीं आंसर ठीक है सर, कैलकुलेशन में तो कोई गलती है नहीं, ऑप्शन में हमारे पास है नहीं, ये तुम्हारा ऑप्शन होगा 32। ठीक है यही आंसर होगा हमारा, तो टाइम हमारा आएगा 32। यस सही तो आ रहा है। हाँ भाई आप 24 इयर्स क्यों कह रहे थे? आसिफ जी सर 24 क्यों कह रहे थे आप? थोड़ा आंसर सही आ रहा है, नहीं वो